أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्त्यं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलवचनं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः त्रिवस्तुहस्तं सुतज्ञानसूत्रं काषाय वस्त्रं लसदुर्दवकेशं रथांगतिरशूलांकितबहुहस्तं चन्नेश्वरहस्तं शरणं प्रणामि अथातो धर्मपुरुषं व्याख्यसामः दक्षिणात जनपदे तालनामकं नगरं तत्र चन्नेश्वरे नमः तद्ग्रामं लग्नं येनानुरागः गच्छति मे कः स्थानं हन्यनार्थे सर्वजनः कुपे समीपे यस्य नमस्कारः ग्रन्थं भ्रष्टं करणं विचार्यति यत् नागराजः सर्पधाय रक्षाश्री समम्पि आगच्छति यत् किं जनः यद्वदगणः मौजिस सामाइन हजरात वो वाजिब एहतराम स्टेज पे बैठे हुए तमाम हजरात आज बैदल अख्वामी मजहबी कॉन्फ्रेंस या इंटरनेशनल रिलीजन्स कॉन्फ्रेंस का तीसरा इजलास है और ये बैदल अख्वामी मजहबी कॉन्फ्रेंस बज़िमन उर्स तक़द्दुस माब सैयदुस सादात अल हसनी वल हुसैनी नजीबुत तरफ़ैन सैयद सिद्दीक हुसैन सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला के 71वें उर्स के ज़िमन में ये मनाई जा रही है। आप का सिलसिला सादात घराने से आपका सिलसिला है। आपकी जो पैदाइश है वो 1303 हिजरी 1886 ईस्वी 4 रमजानुल मुबारक पीर के रोज सुबह 10 बजे आप बमुखाम बालमपेट ज़िला गुलबर्गा हैदराबाद दक्कन में आप पैदा हुए। आपके वालिद का ताल्लुक हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है और आपके वालिद बुज़ुर्गवार का नाम सैयद अमीर हुसैन है और आपके दादा का नाम सैयद मुजफ़्फ़र हुसैन है और आपके परदादा का नाम सैयद राज मोहम्मद जो मद्रास में चुंगलपेट के किले में आपकी मज़ार मुबारक मौजूद है और आप के वालिदा माजिदा का ताल्लुक हजरत इमाम हसन से है और आपके वालिदा का नाम सैयदा आमिना है और आप हैदराबाद के निज़ाम स्टेट में जो नवाब जाफर यार जंग बहादुर जो हैदराबाद के ताल्लुकदार रह चुके हैं सैयद जाफर हुसैनी साहब के चचाजाद बहन हैं आप। तो गैस के आपका सिलसिला
दोनों तरफ से सादात हैं, इस वजह से बहुत ही मुतबरिक आपका सिलसिला है। और हुजूर खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन व मिन्नी अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। तो हम देखते हैं सरजमीन हिंदुस्तान हो या और दीगर कई ममालिक में हो, कि जहाँ कहीं भी दीन इस्लाम की तबलीग की बुनियाद रखी गई है, इन्हीं सादात के सिलसिले से रखी गई है, यही सादात का जो खून था उन्होंने तबलीग इस्लाम के लिए अपना तन मन धन लगाकर हिंदुस्तान में ही बल्कि दुनिया के अंदर इस्लाम को रोज़े रोशन की तरह उन्होंने पेश किया। बस आपके बहुत से बशारात हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन में आप 1924 में, ऐसे तो आप जो है फरमाते हैं बचपन ही से आपको जो है नमाज की खदर आप सख्त पाबंद थे। आप अपने तसानीफ में बयान फरमाते हैं कि 7 साल उम्र थी मेरी, 7 साल उम्र थी मेरी के नमाजी हूँ मैं, खेलते वक्त मुसल्ला था कमर का पटका, मैं पढ़ा करता था तब वजूए जोहर से मगरिब, नाम बच्चों ने रखा घट वजू वाला मेरा। तो इस कदर आप फरमाते हैं आज मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ कि जो कुछ मुझे मिला है कि नमाज ही से मिला है, नमाज के इस कदर आप सख्त पाबंद थे और दीनी उलूम आप बहुत ही जिद्दत से हासिल किए, बहुत जो है शौक से आपने हासिल किया। आपकी फ़खीरी तबीयत और दीन इस्लाम से दिलचस्पी देख कर आपके वालिदा माजिदा ने आपको बचपन ही में फ़कीर बनाया, आपके सर में जो है बाल रखे, आप फरमाते हैं सर में रख बाल ये ताकीद किया था मुझको उम्र भर तुमको ना मुड़ाना बाबा, उसकी पाबंदी में अब तक वो मेरे सर में है, पेशन गोयों में जिस्मानी नशा है मेरा, सर का मुंडा नहीं खाने पर नहीं दिल इसका, न पलक मारे ना साया हो जमीन पर उसका। तो गर्ज के आप दीन इस्लाम की इशात के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए आपने जो है बहुत जद्दोजहद कर दीन कुरान करीम की तालीम आपने हासिल की। आप अल्लामा शुबली नुमानी से जो है आपने फलसफे इस्लाम सीखा आपने, और हजरत बाबा ताजुद्दीन नागपुर के उनकी सोहबत में आपने है, और यहाँ पर मीर जुमले के तालाब पर जोहरा भी साहिबा जो रहती थी उनकी सोहबत में आपने इख्तियार की। गर्ज आप 8 जबान बोला जानते थे और 11 जबान जो है आप तहरीर करते थे। तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसा मुकद्दस वजूद जो ऐन इर्तदाद के ज़माने में, ऐन फितने के ज़माने में आपने जो है अल्लाह से और हुजूर खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बशारतों की मिना पर इल्हामन आपने जो है इस तहरीक की बुनियाद रखी, और वो ऐसा सने इर्तदाद था तमाम हिंदुस्तान जो बलखाना का इलाका खास तौर पर हिंदुस्तान, तो तमाम हिंदुस्तान भर में जो है फसाद बरपा हुआ, खास जो दिल्ली के अतलाफ का इलाका जिसे मलखाना कहा जाता है, 9 लाख मुसलमानों को जो है मुर्तद किया गया और 70,000 मुसलमानों को ईसाई बनाया गया। ऐसे पुरफतन दौर में, ऐसे जो है पुरफतन जमाने में आपने जो है इन्हीं की मुकद्दस किताबों को जानकर, ये आपका जो है तुर्रे इम्तियाज है, आपसे पहले इस सरजमीन हिंदुस्तान पे ऐसी कोई तहरीक नहीं उठी, ऐसा कोई वजूद दुनिया में जाहिर नहीं हुआ कि इन्हीं की मजहबी किताबों से साबित करे कि तुम्हारे वेदों में, तुम्हारे शास्त्रों में, तुम्हारे गीताओं में, तुम्हारे उपनिषदों में, दुनिया की तमाम मजहबी किताबों में जिस वजूद की आमद की जिक्र किया गया है वो वजूद आहाद और जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक है। आपने साबित किया और बारहा दलायल दिया, आपने हर तरीके से आपने दलायल दिया। हुजूर खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बताया गया कि वो कल की अवतार रहेंगे। कल की अवतार के माने क्या होते हैं? अरबी जबान में उसको कहा जाएगा माहिउल बुतलान, यानी बुतों को तोड़ने वाला, बुतपरस्ती के जो है खत्म करने वाला।
ये हुजूर खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बताया गया कि आप माहियुल बतलान रहेंगे। यही इसी माहियुल बतलान के तफसीर में यहाँ बताया गया कि वो कल की अवतार रहेंगे, और यहाँ पर बताया गया आपके ताल्लुक से वो अंतिम ऋषि रहेंगे, लास्ट प्रॉफिट, खातमुन नबीन, आखिरी रसूल। तो आपने जो हर तरीके से यहाँ पर आप साबित किया, आप फरमाते हैं ब्रह्म कुर्ता शिव सहस्र नाम सुमृत्युंजया सूक्ष्म तनुरु जगत व्यापी जगत गुरु। इन एक श्लोक जो भविष्य पुराण के अंदर आया है, इस आप फरमाते हैं एक श्लोक की वजह से मैं सरवर आलम जगत गुरु किताब लिखा जो 25 मियारात में मुश्तमिल है। इसमें बताया गया कि ब्रह्म कुर्ता शिव सहस्र नाम सुमृत्युंजया सूक्ष्म तनुरु जगत व्यापी जगत गुरु, यानी रहमानी सिफतों का मामूर होगा, खुदा के हजार नामों का हामिल होगा और मौत पर फतेह पाया हुआ होगा, मौत पर फतेह पाया हुआ। आज हम हुजूर खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयातुन नबी कह रहे हैं, तो यह भविष्यवाणी आज से हजारों साल पहले यहां की धार्मिक ग्रंथों में बयान की गई है। तो उसको आपने रोजे रोशन की तरह उजागर करके बताया कि अगर कोई रहती दुनिया तक अबदी हयात लेकर कोई वजूद आया है तो खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक है। आपका दीन कोई आर्जी दीन नहीं है, जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन आर्जी था, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम का दीन आर्जी था, कुछ वक्त के लिए था, लिकुल कौम हाल अल्लाह ने उनको कहा, हर कौम में अल्लाह पाक ने हादी भेजे हैं, मगर हुजूर खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कोई आर्जी नहीं है, कोई जो है कुछ मुद्दत के लिए नहीं है, बल्कि रहती दुनिया तक के लिए आपका दीन तमाम बनी इंसान के लिए हुज्जत है। अगर कोई इंसान दीन इस्लाम के आ जाने के बाद अपने आबाई दीन में रहकर मर जाता है तो नतीजे में नुकसान में है, खसारे में है, वो घाटे में है। कुरान करीम में आया वमन यब्तगी इस्लाम दीनन फलन युक्बला मिन्हु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और हुजूर खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरफ बताया गया कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअ, और मैंने जो आयत पढ़ी आपके सामने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये इशारा कर रही है, इस बात के दलालत कर रही है कि एक वजूद तमाम बनीन इंसान के रहबरी के लिए जो आया हुआ है वो रहती दुनिया तक के लिए अगर कोई नमूना है तो हुजूर खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना है। इस वजह से कुरान करीम में आया लखत काना लकुम फी रसूलुल्लाह उस्वतुल हसना, अरे इंसानों तुम्हारे लिए बेहतरीन कोई नमूना है, कोई आइडियल है तो हुजूर खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी मुबारक है। तो इन चीजों को आपने कुरान करीम की दलाल में, कुरान करीम की रोशनी में, अहदीस की रोशनी में आपने बताया कि एक ही वजूद है जो तमाम जहां के लिए मबूस हुआ है और रहती दुनिया से कायम व दायम रहने वाला है, वो हयातुल नबी हैं। तो यहाँ हिंदुस्तान के सरजमीन में जब आपने तबलीग इस्लाम की बुनियाद रखी वो 1924 7 फरवरी को आपने जो है ऐलान किया कि आओ इस मजहबी मुल्क, क्योंकि हिंदुस्तान ये हमारा भारत देश धार्मिक भूमि है, यहाँ पे जो है अनेक धर्म के लोग पाए जाते हैं। हम अगर सऊदी अरब अरबस्तान का मुशाहिदा करेंगे तो वहां पर सिर्फ 360 बुद्ध थे, वहां सिर्फ 360 बुद्ध की पूजा होती थी, मगर हिंदुस्तान ऐसा धर्म का गहवारा है, यहाँ ऐसे अनेक प्रकार के लोग पाए जाते हैं। 360 में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है यहाँ पर। यहाँ पे जो है पत्तों में, कंकरों में, झाड़ों में, सांपों में, बिच्छुओं में, पानी में, आग में, हर चीज में जो है अल्लाह को तलाश करते हैं लोग, मगर कुर्बान जाइए उस वजूद के। आपने बताया कि तुम जो है जो आकार की पूजा कर रहे हो कि ये आकार की पूजा तुम्हारे किताबों में नहीं है, जिस तरह कुरान करीम में बताया गया कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, यही चीज यहाँ के धार्मिक किताबों में बताया गया, एक एवो न द्वितीय तस्ते न ब्रह्मा न विष्णु न सूर्यो न अग्निचंद्र तारा कहा एकम सदी पुराण बहुदावंती, ऐसे कई जो है बातें बताए गए, न माता न पिता तस्या न भ्राता न चमा तो लहा न पुत्र पी के तरमचा न पौत न तो पुत्र कहा।
ना उसको माँ है, ना बाप है, ना बीवी है, ना बच्चे है, कोई चीज नहीं, निराकार है, निर्गुण है वो। जब आपने बताया इस बात को तो यहाँ की सरजमीन पर आप फरमाते हैं, मेरे इस बयान से, मेरी इस तहरीक से हिंदुस्तान के विद्यानगरों में जलजले पड़ गए, जलजले में डाल दिया। आपके ताल्लुक से बताया गया, आप फरमाते हैं अपनी किताब में, जलजला डालकर खैसर को भगाने वाला किसको मालूम था, जलजला डालकर खैसर को भगाने वाला किसको मालूम था, है ये आमे नबी का जाया, दाई की शक्ल में परदेश अकन में आया, अपनी पहचान में खैसर की हलाकत लाया, तबलीगो हिजरत और गजवात कराए उसने, मुतबईन को अमरे बनाकर छोड़ा। तो दीन इस्लाम की तबलीग के जिमन में आपकी जबान मंदियां की गई, एक दफा नहीं बल्कि 32 दफा आप पर आपकी जबान मंदी की गई, आपके बोलने पर पाबंदी लगाई गई, आप तबलीग इस्लाम के पादाश में 40 जेल और 84 हवाला की मुसीबत आपने झेली है, अपने उम्र की बेशकीमती जिंदगी के जो है 10 से 13 साल तक आपने मसायब झेले, मुसीबतें झेले आपने, किस वजह से कि दीन इस्लाम को इस अध्यान आलम पर गालिब किया जाए, क्योंकि तमाम दुनिया के लिए जो रहबर और रहनुमा दुनिया में आ चुके हैं वो खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक है। अगर दुनिया इस तरफ नहीं आएगी तो नतीजे में वो नुकसान उठाएगी, खसारे में जाएगी। तो गैस के आपने इस काम की बुनियाद रखी और बड़े बड़े दानिशवरों ने आपको उस वक्त आपको तस्लीम किया, बड़े बड़े उलमा मशायखों ने आपके उस काम की तायीद की, आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है उसका। तो गैस के मैं बताना यह चाह रहा था कि जिस वजूद मुकद्दस का जो आज हम उर्स मना रहे हैं कतरवा, वो मामूली वजूद नहीं है, वो सैयदो सादात है। सैयदो सादात होने के बावजूद भी अगर खाली आप अपने उस सैयदो सादात के सर्टिफिकेट का खाली नुमाइश इजहार करते तो आज हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ लोग आपके आस्थाने के गिरविदा होकर गोल फिरते थे। मगर आपने कभी अपने वो सादात घराने की जो होने के कभी फायदा नहीं उठाया, बल्कि आपने तबलीग इस्लाम को तरजीह दी, इशात इस्लाम को आपने तरजीह दी, और जिन बशारतों की बिना पर आप मामूर किए गए थे, आपको जो बताया गया कि ये चंद्रेश्वर जो आपके नाम के साथ है वो ऐसे ही नहीं है, बल्कि आपको जो है इल्हामन बशारती तौर पे आपको बताया गया, और बशारती तौर पे जो बताया गया है वो ऐसे ही नहीं बताया गया, बल्कि 800 से 900 साल पहले यहाँ कर्नाटक के इलाके में और यहाँ हमारे आंध्रा के इलाके में जो सूफी औलिया अल्लाह बुजुर्गानुद्दीन गुजरे हैं उन्होंने भविष्यवाणी की है, बताया गया है के काल अज्ञान सूचन मुंदागवन था काल सूचन सारी पे होना हिंदे आदू मुंदे आगदू मन न मतिगड़ ये न बल्लरु चंद्रशेखर चन्न बसवान बंधु जगत उद्धार मारूदा बंदे नाव आनंद समस्त कंदिगेड़ मुंदे पत्तु कालल्ली कौशगुड़ सार विचार लुंगिगड़ अरसु अरसु ओय्या देवर देव कलग शिवकल्ल बुद्धियनु साहेब आत्मदल्ली शरण उदिशन ईतने वीरक्त वीर नारायण वीर गंटे मईवाड़ अनिलज आकाशद गुरुवय्या हिंदू तुरुकुर्वंदागि नरिदारु दीनदार चन्न बसवण्ण बरवागे इस कदर बेहतरीन अंदाज से आप यहाँ पर उजागर किया गया, आपकी भविष्यवाणी की गई, जिस तरह हुजूर खातमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भविष्यवाणी यहाँ के किताबों में आया, बताया गया कि विष्णु यशस उत्तम देवम दुष्ट दुराचार मर्दनम सुमति परमानंदम कल के वंदे जगद्गुरम द्वादशिया शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माधव जात दृष्टपुत्र पुत्रो हृष्ट मानसो बताया गया सोमधियो देवश्यो नमा नम मोहम्मद आय चा नम भीमाय चा नम उगराज तप शांताया ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है। ये आपके जो है वालिद का नाम विष्णु असद यानी अब्दुल्ला बताया गया, आपके वालिदा का नाम आमिना बताया गया, विष्णु असद सुतम देवम दुष्ट दुराचार मर्दनम सुमति नंदनम सुमति नंदनम ये सुमति का आमिना का लाल होगा हो। तो इसी तरह एक वजूद जो आले रसूल की जो आले रसूल से खड़ा होगा जो दीन इस्लाम की दीन इस्लाम को जो है अध्यान आलम पर गालिब करने के लिए खड़ा होगा उस वजूद के ताल्लुक से बताया गया के कालक ज्ञान हिंदू के कालक ज्ञान सूचन मुंदागवन था सुनिए जमाने के हालात के कालक ज्ञान सूचन मुंदागवन था काला सूचन सारे पे होना
हिंदे आगो तो मुंदे आगो, जो पहले हुआ आगे भी वैसा ही होगा। ये कम अकल वाले लोग इसको क्या समझेंगे। चंद्रशेखर, इन चंद्रशेखर पेशानी पे चांद रखने वाला चंद्रश्वेश्वर आकर दुनिया को पाक करेगा। यहां जो अफरा तफरी थी, जो भेदभाव था, जो ऊंच नीच थी, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में इंसानों को बांटा गया था, उस भेदभाव को आपने अपने वजूद से वर्ण संकर करके बताया बताया गया। आपके वजूद ही का जो है आने से हिंदुस्तान की सरजमीन पर वर्ण संकर हो जाएगा। तो ऐसे कई बेशुमार दलायल हैं इस सरजमीन पर तबलीग इस्लाम के लिए बहुत ही आसानी आपने पैदा की है। तो अगर बताया रहा था कि आपका वजूद बहुत ही मुतबरिक है, इतने निशानात और बयानात होने के बावजूद भी आपने मुसलमानों में कोई फिरके की बुनियाद नहीं डाली। अगर आप चाहते तो जो है कई फिरके हैं, कई मसलके हैं, यहां पर अपनी अपनी बात को जो है इंसान अपने जहन से पेश कर रहे हैं, मगर आपने अपने जहन से कोई बात नहीं बताई। आपने अपने जहन से कोई बात नहीं बताई, वही पेश किया जो कुरान और हदीस में है, जो यहां की पेशनगोयों में है। आप फरमाते हैं मैं हुजूर खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम हूं। ऐ मुसलमानों, तुम उस वक्त खुश हो जाओ कि तुम्हारे एक भाई को अल्लाह ने ऐसा गुण ऐसा तरीका दिया है कि उसके जरिए से जो करोड़ों रुपए खर्चा करके पादरी ईसाई लोग जो है किसी एक मुमताज हिंदू को जो है ईसाई नहीं बना सकते, मगर ये फकीर कम्बल ओढ़ा हुआ और चमड़े पे बैठा हुआ सादा लिबास पहना हुआ करोड़ों इंसानों को जो है कि दिलों में इस्लाम की मोहब्बत उसने पैदा की। तो गैस आज की ये दुनिया जो बदमनी का शिकार है, जो अमन की तलाश कर रही है, अमन सुकून की तलाश कर रही है, उनको चाहिए कि अमन चाहते हैं तो धर्म की तरफ रुजू हो जाएं। धर्म ही एक ऐसा मार्ग है, धर्म ही एक ऐसी चीज है जिससे इंसान के अंदर इंसानों के अंदर अमन अमान आ सकता है। धर्म को छोड़कर इंसान कभी अमन कायम नहीं कर सकता। कि बताया गया धर्म हंती हंतो धर्म रक्षत ही रक्षतहा, जो इंसान धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है। यही बात कुरान करीम में बताया गया, या अय्युहल जामनु इन तंसुरुल्ला यंसुरकुम, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह खुद ब खुद तुम्हारी मदद करेगा। तो यही बातें जो बताए जा रहे हैं गर्ज के दीन इस्लाम की तबलीग के लिए आपने जो है ये यहाँ पर नक्शे जो हम लगा के रखे हैं 17-15 नक्शे जो बताए जा रहे हैं, इसके अंदर जो मिशकात का जो जिसको गरुड़ स्तंभ कहा जाता है वो कोने में लगाया गया है। और वक्त है होगा बेटे 5 मिनट। तो ये मिशकात है जिसको गरुड़ स्तंभ कहते हैं, इसको ईश्वर स्तंभ भी कहा गया है। और इसके बाजू जो है नक्शे लोहे महफूज बताया जा रहा है, जिसको हिंदुस्तान की यहाँ के धार्मिक जबान में घटा चक्कर कहते हैं इसको। और इसके बाद ये फलसफे नमाज को बताया गया है, जो ज्योति स्वरूप प्रार्थना है। और ये बेदलील चीज नहीं है, बल्कि दलील के साथ आपने बताया कि इंसान के अंदर पंचभूत है, 5 अनासिर से जो है इंसान की तख्लीक हुई है, आग हवा पानी और मिट्टी। और इसी के जरिए से जो है यहाँ पर जो बताया जा रहा है, अलीफ जो है आग की शक्ल में है, और मीम जो है पानी की शक्ल में है, और जो है दाल जो है पानी की शक्ल में है, और दाल जो है जमीन की शक्ल में है, और हवा जो है इसमें बताया गया है। अलीफ है मीम दाल, ये 4 वर्ष से जो है नाम अहमद बनता है। और ये नाम अहमद की भविष्यवाणी श्री रामचंद्र जी ने आज से हजारों साल पहले आप उन्हें बताई है, जो उनके भक्त परम भक्त हनुमान जी थे, उन्होंने पूछा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आपका जो है जाने का वक्त हो चुका है, आप जा रहे हैं और आपको तो स्वर्ग प्राप्त हो ही जाएगा, मैं आपके बाद स्वर्ग में आना तो क्या करना। तो आपने फरमाया निराकार प्रार्थना करो। तो
निराकार प्रार्थना क्या है? आपने बताया पूरा श्लोकों में कि प्रथमम तारकम चैव द्वितीयम दंड मुच्छते तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थम अर्धचंद्रकम पंचमम बिंदु संयुक्त ओम मित्य ज्योति रूपकम अष्टांगम चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदेवतम ओम मित्योन जानति ब्रह्मणो न भविष्यति। तो इसमें बताया गया कि पहले तो तारक प्रार्थना यानी खड़े होकर नमाज पढ़, दूसरा दंडम यानी सजदा कर, तीसरा कुंडलाकारम यानी खैदे में बैठ जा, चौथा आधा चांद यानी रुकू में आ जा, और पांचवा जो है मुनाखिबा बताया गया है। तो वह इसकी बहुत तफसील है और यह धार्मिक भूमि होने की वजह से यहाँ हम धर्म की आधार से बात करते हैं और शास्त्र आधार से हम बात करते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में हम बात करते हैं और यही बात करते हैं कि तमाम मज़ाहिब जितने भी हैं वो हुजूर खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने बशारत दी है, उनके अवतारों और ऋषियों मुनियों ने बशारत दी है। और फलसफे नमाज है, अगर इंशाअल्लाह ताला अगर नमाज के बाद कुछ मौका मुझे दिया गया तो मैं उस पर तफसील से रोशनी डालूंगा। ठीक हो गया? तो गैस के ये फलसफे नमाज बहुत ही जो है आध्यात्मिक, बहुत ही जो है महत्व रखता है। उसके बाद जो है यहाँ पे जब एक जो तस्वीर बताई जा रही है वो बुर्राख की है। बुर्राख में जो इसे हिंदुस्तान हम मुसलमान बुर्राख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हुजूर खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में जो आपको सवारी दी गई थी वो बुर्राख है। और इसी को हिंदुस्तान की सरजमीन पर कामधेनु कहते हैं, यानी बुर्राख और कामधेनु के माने एक ही होते हैं। और यहाँ पे जो है शिवकाशी में यह बहुत बड़ी लकड़ी की बनी हुई है, अजंटा एलोरा के गारों में जो बुर्राख बताया गया है। और जो मद्रास से द हिंदू पेपर निकलता है उसके सरे वक्त पे जो है उसका इसका चिन्ह उतरे हुआ है। गैस के जो है बहुत ही ऐसे ऐसे बातें हैं बताने के जो आप लोग सुने और सुनकर इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इन बातों को फैलाएंगे तो कोई देर नहीं। 10 मिनट है, फिर इशारा क्यों कर रहा है? होगा बल्कि टाइम। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि फलसफे नमाज जो श्री रामचंद्र जी की बताई गई हुई है इसमें पहले तारक प्रार्थना यानी ख्याम किस तरह करना चाहिए। अगर आज इन बातों को मजहबी लोगों के सामने बताया जाए, जो धर्म के अधिकारी हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म के अधिपति बनकर बैठे हुए हैं, उनको ये बात बताई जाए तो यहाँ की फिजा में अमन कायम हो सकता है। तो ये सबसे पहले जो ख्याम खड़े होकर पढ़ने का बताया जा रहा है तो किस तरह पढ़ना चाहिए, श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि खेचरी भूचरी सहचरी षणमुखी शांभवी मनस चंचले विग्रहम। यानी खेचरी भूचरी यानी आप अपनी नजर या तो आसमान पर रखिए या तो जमीन पे रखिए या दरबान में रखिए। षणमुखी शांभवी बताया गया यानी जब आप तारक प्रार्थना करें, निराकार प्रार्थना करें और आप जब ईश्वर के सामने उसकी आराधना करने के लिए खड़े हो जाएं तो अपने नजर को जो है आसमान पे रखें या दरमियान में रखें या जमीन की तरफ रखें। और षणमुखी यानी छह मुंहों को काम से मुअत्तल कर दें। अब छह मुंह क्या है? एक करण है, चक्षु है, नासिका है, वाक बात करना है, और पाए उपस्थ है यानी कान आँख नाक बात करना और पेशाब और पैखाने के अमल को काम से मुअत्तल कर दें। आज आके देखें मुसलमानों के मसाजिद में ये लोग किस तरह बात करते हैं, जिस तरह पेशेंट को बताया गया है उसी तरह जो है हुजूर खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामियत के अंदाज में प्रार्थना को लेके आए, नमाज को लेके आए। और मन से चंचले विग्रहम बताया गया यानी दिल की परेशान ख्याली को जब्त करके खड़े हो जाना, इसका नाम है मन से चंचले विग्रहम। तो आप देखेंगे जो हमको तरबियत दी जाती है कि अपने तमाम ख्यालात को जो है एक जगह कर अल्लाह के तरफ रुजू हो जाना, यही हमको नमाज का तरीका बताया गया है नमाज पढ़ने का। फिर हम सजदे में सजदा करते हैं तो उसके बाद ये बताया गया कि सजदा है तो उसमें सजदे में बताया गया अष्टांगम चा तेंगर पादम तेंगर मोगम नासिकम ब्रह्मध्यम। खुले खुले अंदाज से बताया गया इसमें किसी को तावील करने की मतलब बयान करने की जरूरत नहीं है कि इसमें बताया जा रहा है कि आपकी जो है सबसे पहले जमीन पे 8 अंग लगने चाहिए जब आप दंडम प्रार्थना करेंगे यानी सजदा करेंगे तो
रोज हमारे शरीर के जो है आठ अंग आठ हिस्से जमीन पर लगने चाहिए। अष्टांगम चा तेंगर पादम तेंगर मोगम तेंगर हस्तम नासिकम ब्रो मध्यम। एक पेशानी है, एक नाक है, दोनों हाथ है, दो घुटने हैं और दो अंगूठे हैं। अब आके देखें मुसलमानों के पास बिल्कुल इसी तरह मुसलमान सजदा करते हैं। तो इन भेदभावों को निकाल के बताएं आप, ये आपका जो है कितना बड़ा एहसान है। ये आप एक तो जो है आपके नाम के जरिए सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर के नाम अपने नाम के जरिए भेदभाव को मिटाया आपने। दूसरा यहाँ पे जो है सबसे अहम चीज, इंसान जो है अगर किसी धर्म को धारण कर भी लिया तो उसको सबसे जरूरी क्या है, इबादत करना है, प्रार्थना करना है, प्रेयर करना है। तो इबादत को प्रेयर को जो है आपने जो है खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में जो है यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जो भविष्यवाणी की है उसको बताया आप। ये बहुत बड़ा एहसान है आपका, ये औलिया अल्लाह सूफिया इकराम का यही काम है। ये लोग इंसानों के जो है सरों को नहीं मिलाते, ये लोग सरों को अगर मिलाया भी जाए चंद वक्त के लिए चंद लम्हे के लिए सर मिल सकते हैं, बाद में फिर जुदा जुदा हो जाएंगे। मगर इनका ये सबसे बड़ा रुए जमीन पर इंसानों पर ये एहसान है, ये लोग दिलों को मिलाते हैं। दिलों को मिलाने के लिए इन्होंने ये काम किया। आपने बताया कि इस तरह जो है श्री रामचंद्र जी ने दंडम प्रार्थना के ताल्लुक से बताया, जिस तरह मिन्नुआद आज मुसलमान कर रहे हैं सजा कर रहे हैं। उसके बाद बताया गया दंडम के बाद कुंडलाकारम, कुंडलाकारम यानी खैदे में बैठ जाना। अब खैदा किस तरह करना चाहिए, त्रिस्थानम यानी तीन स्थान का जो है उसको ध्यान रखना चाहिए, तीन जो है चीज़ों का ध्यान, तीन चीज़ों का ख्याल उसको होना चाहिए जब उन्हें खैदे में बैठा रहे। तीन चीज़ों का उसको ख्याल होना चाहिए जब उन्हें खैदे में बैठा, ना स्थानम उसकी नज़र नाक पर रहे, उर्दिस्थानम दोनों हाथ जो है मांडियों पर रहे, और गुद्रिस्थानम बाया पैर मिखत के तरफ मुड़ा हुआ हो। खुले खुले अंदाज से बताया गया। और उसके बाद अर्ध चंद्र रकम यानी आधा चांद बन जाना। फिर उन सब का चारों का जो मजमा है मुराखबा यानी जो है रहमान रहीम मालिक और रब्बुल आलमीन और हयात जावेद ताकत में अतयात पड़ी जाती है। इसी को जो है ब्रह्म विष्णु रुद्र और ब्रह्म विष्णु रुद्र और ईश्वर और सदा शिव बताया गया। तो ये फलसफे से हम यहाँ पर ऐसी मोहब्बत की ऐसी जो है ऐसी आस्था पैदा कर सकते हैं जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, भारत के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। तो अगर आपने बहुत ही आसान तरीके से बताया और जो बुर्राख जो फलसफा बयान कर रहा था उसके ताल्लुक से बहुत ही तत्व हैं, एक जो उसके ताल्लुक से आया है पद्म बता देता हूँ मैं कि आप यहाँ पे बहुत ही मौलाना मोहम्मद उस्मान अली साहब मल्लाना मुबल्लिग़ इस्लाम पुराना फ़कीर उसको बारह दोहराया करते थे कि ताल्लुक बहुत बहुत से निशानियाँ हैं इसके। और आप जो उसके ताल्लुक से बताते थे ये बताते थे कि हरु निवाहनम मेदु हरि की तेल निगद निमिल सरस्वती वाहनम अश्व वाहनम श्री परशुरा मुनिधि शक्ति वाहनम व्याघ्रमय्य उंट वाहनम पारसनाथ मुनिधि इटलु वीरुवारी वाहनमुल सकल वाहनमुल एक वाहनम कामधेनु कल्कि वाहनम कामधेनु युक्त गुर्तलिनुनि दानि पेंचमु निमृदि पेरनंदि पादवंशंभु रेक्कलु गरुड़ पक्षि रोम्मु पोलिदि मेड़ उंटे रूपनारी। जो ईश्वर के जो अधिपति जमीन पर आएंगे, जो ईश्वर के जो है ईश्वर के सिद्धांतों को जमीन पर कायम करेंगे, वो जगत गुरु जो कल की अवतार उनकी जो सवारी रहेगी वो तमाम सवारियों की जामे रहेगी। जिस तरह हम देखते हैं किसी नबी को जो है साले अलैहिस्सलाम को ऊंट पे ऊंटी पर ऊंटने पर आप सवार हुए, ईसा अलैहिस्सलाम को हम देखते हैं वो गधे पे सवारी की आपने, तो यहाँ पर ऐसे ही ईश्वर की सवारी जो है बैल बताया गया है और सरस्वती की सवारी मोर बताया गया है। तो आप देखेंगे बुर्राख को कामधेनु को तो इसमें मोर की जो दुम लगी हुई है और नरसिम्हा की सवारी शेर या बबर है तो उसमें जो बुर्राख में देखेंगे आप तो बुर्राख का जो सीना है वो शेर का है। और यहाँ पर किशन जी की सवारी गरुड़ पक्षी बताया गया है,
उसमें देखेंगे आप तो बुर्राक में जो पर है वो गरुड़ पक्षी के पर है। तो इस तरह जो सवारी है वो तमाम सवारियों की जामे है और जो सवार है वो तमाम सवारों का जामे है। इसी तभी तो आपको जो है जामेउल अंबिया कहा गया, तभी तो आपको जो है जगन्नाथ कहा गया। तमाम विश्व के लिए आप आए हैं, किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक खित्ते के लिए नहीं। आपका जो आगमन हुआ है वो तमाम दुनिया के लिए हुआ है। हर बनी नो इंसान जहां तक इंसान बसता है, चाहे गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो या ताकतवर हो, कमजोर हो, हर एक के लिए आपकी तालीम रोजे रोशन की तरह आया है। और हर इंसान आपकी तालीम पर चलकर मुसलमान बन सकता है, मोमिन बन सकता है, वली बन सकता है, गौस बन सकता है, खुतुब बन सकता है, फनाफ शेख हो सकता है, फनाफ रसूल बन सकता है, हत्ता के फनाफ अल्लाह हो सकता है। तो ऐसे तालीम है, आसान तालीम है इस्लाम के। आज हमको चाहिए कि दीन इस्लाम की तबलीग के लिए कुरान करीम जो हमको कह रहा है अशिद्दाउल कुफार रहमाउ बैनहुम, आज रूए जमीन पे जितने मुसलमान हैं अगर इस एक आयत पर गौर करें और इस एक आयत को अमली जामा पहनाए तो कोई देर नहीं कि तमाम रूए जमीन पे इनके बसने वाले इंसान इस्लाम के आगोश में आ जाए। आज मुसलमान अपनी आपस की तफरकाबाजी से इस कदर मुनहमिक हैं कि दीन इस्लाम की तबलीग को भूल चुके हैं। आप फरमाते हैं आपके तसानिफ में, अरे मुसलमानों जरा सोचो ये क्या अंधेर, अरे मुसलमानों जरा सोचो ये क्या अंधेर है, जो जबर दुनिया पे था वो आज सबका जेर है। हम 313 थे, मुट्ठी भर थे, तो तमाम दुनिया पे हमने हुकूमत की, तमाम दुनिया हमसे लर्ज गई। मगर आज करोड़ों हैं, अरबों हैं, अरब के रेत के मानिंद मुसलमान हैं, मगर कोई फायदा नहीं। आप फरमाते हैं रूह कहती है मुसलमान को मुसलमान समझो, आपने फरमाया अपने तसनीफ में रूह कहती है मुसलमान को मुसलमान समझो, फिरका कहता है मुसलमान है काफिर पक्का। ऐसे झगड़ों में भला रूह रहेगी क्यों कर, इसको कहते हैं कि कुरान चला जाएगा। न वो जाता है जो है सामने बैनुद फतैन, सामने आपके हर वक्त हमारे होगा। इल्म कुरान का उपजाना है उसमें मखसूद अल्फसन सिफरवात में झगड़ा होगा। सो मुसलमान उसूलों से रहेंगे गाफिल, कोई काफिर के मुकाबिल का ना पैदा होगा। तबलीगों हिजरतों गजबात और जिहादों मफकूद, फिर तो रूह ढूंढ के लाएंगे कहां से उल्मा। आज इस्लाम की तबलीग हिजरत गजबात जिहाद ये बुनियादी अमल को छोड़कर हम खाली फ्रोई मसाइल में उलझ कर खुद अपना वक्त जाया कर रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा का जो बेशकीमती वक्त है वो जाया कर रहे हैं। अगर इन उसूलों पर आज तमाम दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, एक कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाएं, तो कोई देर नहीं कि तमाम दुनिया अमन का गहवारा बन जाए। इन्हीं उसूलों को आपने पेश किया। गर्ज में इतना कहते हुए आपके एक अशार पर बात को मुख्तसर करता हूँ। राज राजाओं को शाहों को सलामत शाही, राज राजाओं को शाहों को सलामत शाही, एक हो जाओ सभी एक है अल्लाह सबका, एक हो जाओ सभी एक है अल्लाह सबका, सारे आलम के लिए सरवर आलम है एक, सारे अवतारों और नबियों को खुदा ने भेजा, उन पे नाजिल जो हुई सारी किताबें सच हैं, अपने अल्लाह को करो याद सब मिलकर एक जा। वाह खुदा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।